हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज किसान आपका स्वागत है। और आज मेरे क्या प्रवक्ता लेक्चरर KBS PGT TGT LTNET आदि के लिए इकोनॉमिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पे मूल्य और पूंजी वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक हैं। तो मूल्य और जो पूंजी है इसके जो लेखक है वो कौन है, तो वो है JR Hicks। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से कौन सा नियम फीटले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं आता है, तो वो है यहाँ पे समन्वय का नियम। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है आपको कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है, तो वो है यहाँ पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है पे निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है। तो विशुद्ध जो सार्वजनिक वस्तु है वो है यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि। तो देखिए उदासीनता जो वक्र है वो एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि यहाँ पे देखा है कि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समांतर होता है। सेकंड देखा है प्रत्येक वक्र संतुष्ट के नियम निम्न स्तर का औदक होता है। और थर्ड जगह है प्रत्येक वक्र अधिकतम संतुष्टि का औदक होता है। तो इनमें से कोई नहीं जो दिया है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे पूछा गया कि लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो वो है यहाँ पे बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक रुपये के नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक रुपये के जो नोट और जो सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के पास संग्रहित रहते हैं और उसको जारी भी वित्त मंत्रालय करता है। इसके अलावा एक रुपये के अलावा जो अन्य नोट होता है उसको भारतीय जो रिजर्व बैंक है ये इसको जारी करता है, लेकिन एक रुपये के नोट और जितने भी सिक्के होते हैं ये सब के सब वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं, तो वो होते हैं यहाँ पर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मोनोपॉलिटिक्स कंपटीशन के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चैम्बरलिन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं, तो आंशिक संतुलन जो दृष्टिकोण है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पे मार्शल दृष्टिकोण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरकारी क्षेत्र का बैंक है, तो सरकारी क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है इनमें से, तो वो है यहाँ पे भूमि विकास बैंक। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का 151वां सदस्य है, तो 151वां सदस्य कौन सा है, तो वो है यहाँ पे टोंगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र होता है, तो जो मुद्रा मांग जो वक्र होता है ये पूर्णतया लोचदार होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थशास्त्र में एक्स कुशलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो एक्स कुशलता की जो अवधारणा दी गई थी ये दी गई थी लिबेन्स्टीन के द्वारा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं, तो कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं, तो वो है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो, तो वो होगा यहाँ पे मूल्यह्रास। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित व्यापार चक्रों में से कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षता संबंधित है, तो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मूल्य वर्धित कर स्वरूप है, तो जो मूल्य वर्धित जो कर है वो किसका स्वरूप है, तो वो है यहाँ पे विशिष्ट तथा अप्रत्यक्ष कर का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। किन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है, तो वो है यहाँ पे सट्टा उद्देश्य से जाने वाली मांग। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
प्रारंभ हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये हुआ था फरवरी 2006 में। नेक्स्ट यहाँ पे मोदिग्लियानी मिलनर प्रमेय संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है पूंजी बाजार से, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी, तो वो तब होगी जब मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिकीकरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पे M1 अपॉन GDP से, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आगत से यानी निर्गत अनुपात द्वारा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है मिड विरोधाभास में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। वेस्टवेल परीक्षण का संबंध है, तो वेस्टवेल जो परीक्षण है इसका जो संबंध है वो है यहाँ पे शिशु उद्योग तर्क से, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंगटाट की 13वीं बैठक वर्ष 2012 में कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा थाईलैंड में, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। राष्ट्रीय ऋण की ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है, तो वो होता है यहाँ पे व्यक्तिगत आय में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC 0.6 है तो गुणन का मान होगा, तो गुणन का जो मान होगा वो होगा 2.5, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो क्या नहीं किया, तो है निवेश आय, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है, तो उत्पादन के जो साधनों की जो मांग है वो कहलाती है यहाँ पे व्युत्पन्न मांग, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मकड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी, तो किस स्थिति में प्राप्त होगी, तो वो होगी यहाँ पे मांग आधिक्य तथा मांग की लोच पूर्ति की लोच इससे कम होगी अगर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्वरित अनुपात यानी क्विक रेशियो प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कहता है यहाँ पे चालू संपत्ति माइनस चालू देनदारियाँ बट्टे अपॉन माल भंडार, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख भूमिका होती है, तो वो होती है यहाँ पे सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फीसर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है, तो ये स्थापित करता है यहाँ पे द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध को, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया, तो ये किया था जी हेवरलर ने, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप, तो इसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो वो आय एवं प्रतिस्थापन प्रवाह दोनों होते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच, तो जब उसकी जो मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक होती है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो किसी वस्तु का जो बाजार मांग जो वक्र होता है ये व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस यानी रेनी डे संबंधित है, तो वर्षा दिवस जो संबंधित है वह है यहाँ पे पूर्वी पाए उद्देश्य से, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा भिन्न में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो नहीं पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे परिवर्ती रिजर्व अनुपात, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे G6 के कौन दो सदस्य देश G4 के सदस्य नहीं हैं, तो नहीं पूछा गया, तो वो है यहाँ पे
ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से, तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है, तो वो कौन सा है, तो वो है IFCI, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दे गया। नेक्स्ट यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो वो है यहाँ पे अस्थायी आय में सभी वृद्धियाँ बचत में जाती हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दे गया। किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है, तो किसी कर का जो अंतिम आरामदायक स्थान है वो है करापात, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो व्यापार की जो शर्तें होती हैं उसको PX/PM × 100 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है, तो वो है यहाँ पे गिनी गुणांक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। रिकॉर्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है, तो कौन सा सही है, तो वो है यहाँ पे लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो स्वास्थ्य और जो शिक्षा है ये मेरिट वस्तुएँ हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट यहाँ पे अपने लगान सिद्धांत के रिकॉर्डों ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है, तो वो माना है यहाँ पे शून्य, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।